नासिक से मुंबई के लिए, और जो ट्रेन है वो है तब्बो वन, जिसके पास टिकट है वही ट्रेवल करें। काफ़ी सारे लोग भाई यहाँ पे ना ऐसे ट्रेवल करेंगे, तीन इधर और तीन इधर, छह लोगों का सीटिंग कैपेसिटी रहता है यहाँ पे। भाई यहाँ से मेरा दूसरा सफ़र शुरू होगा नासिक से मुंबई के लिए, और जो ट्रेन है वो है तब्बो वन एक्सप्रेस, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मिलेगी। अगर आपको नासिक से मुंबई ट्रेवल करना है, नासिक एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको शिरडी, शनि सिग्नापुर और त्र्यंबकेश्वर, साथ में पंचवटी और जितनी भी चीज़ें भाई आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके बताया हुआ है महानगरी ट्रेन से, अगर आप वापस जा रहे हो मुंबई नासिक से तो तपोवन एक्सप्रेस से मैं आज सफ़र करने वाला हूँ। मैं आपको पूरी जर्नी बताऊँगा भाई। ट्रेन का टाइम यहाँ पे है 6:05 का, तो जैसे ही ट्रेन आएगी भाई हम ट्रेन बोर्ड करेंगे और उसके बाद में फिर हमारी जर्नी शुरू होगी और देखेंगे कि हम लोग मुंबई कितने टाइम में पहुँचेंगे और उस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। और भाई ट्रेन लेट हो गई, आप सोचो कि 6:02 का टाइम है यहाँ पे और आधा घंटा लेट हो गया लगभग, ठीक है। तो यही है तपोवन का भाई, लेट फास्ट हो जाता है थोड़ा, वेट करते हैं इधर से आएगी ट्रेन। ट्रेन आई हमारी कितने बजे, 6:33 पे। इस टाइम भाई ना भीड़ आपको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिसके पास टिकट है वही ट्रेवल करें। काफ़ी सारे लोग भाई यहाँ पे ना ऐसे ट्रेवल करेंगे, मतलब खड़े खड़े बिना टिकट बिना सीट के, टिकट लिए रहेंगे बट सीट कंफर्म रहेगी, ज़रूरी नहीं है। एकदम 50-51 किधर गया भाई। भाई ट्रेन का पहला स्टॉप है नासिक के बाद में देवलाली, और यहाँ पे भी लोग चढ़ते हैं भाई ट्रेन में, ठीक है। तो आप देखिए फ्राइडे है और मे भी यही रीज़न होगा कि लोग यहाँ से वहाँ कम्यूट कर रहे होंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, मे भी इसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, ठीक है। तो भाई 7:30 हम लोग इगतपुरी पहुँचे अभी, में आपको नाश्ता वगैरह लेना है तो बिल्कुल ले लो भाई, ठीक है। इगतपुरी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 भाई, सब क्या ही स्ट्रेंथ है। चलो पानी वगैरह है मेरे पास में तो ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, चल के सीधे मुंबई में जो भी लेंगे वहीं पे कुछ लेंगे, वहीं पे कुछ खाएंगे। अभी बज गया 8:09 और मुझे नींद आ रही थी तो मैंने भाई चिक्की ले ले 10 रुपये की, इस पर MRP लिखा 20 रुपये बट मिला मेरे को 10 रुपये में, ठीक है। और अभी हम लोग पहुँचे भाई कसारा, कसारा लास्ट आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ, एक अंकल को मैं बैठने के लिए सीट दे दिया था, बिट्टी एक मिनट आओ मतलब जाओ दिया, लेट हो गया ट्रेन को देखो आप, 9:34 और अभी हम लोग कल्याण पहुँचे, सोचो कल्याण जंक्शन पहुँचे, इतना लेट कर दिया कि भाई क्या ही होता है भाई। फाइनली 10:00 ट्रेन पहुँची थाने और अगला पड़ाव है भाई दादर, जहाँ उतर जाऊँगा, ठीक है। बात इस ट्रेन की करें तो इसमें टोटल 17-18 डब्बे हैं और उसमें भाई 9 डब्बे आपके सेकेंड सीटिंग के मिलेंगे। टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे है भाई अच्छे से, ठीक है, मतलब क्या ही अच्छे से है, ठीक है। साफ़ सफाई उतना अच्छा नहीं है, पानी वगैरह भी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसा भी है। और 2 डब्बे भाई इसमें AC के सीटिंग वाले हैं और आपको हर एक जगह पर भाई ऐसा चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा देखने को, ठीक है, काम कर रहा है। यहाँ पे सामान वगैरह टांगने के लिए हैंगर है, सामान रखने के लिए यहाँ पे भी है और आप नीचे भी रख सकते हो, ठीक। इस तरीके से भाई आपको यहाँ पे 9 डब्बे मिलेंगे और बाकी जो 2 डब्बे हैं ना, 2 डब्बे ये आपके AC वाले सीटिंग के हैं और 5 डब्बे भाई इसमें जनरल है, ठीक है, मतलब चालू 5 डब्बे इसमें चालू हैं। Thank
इट्स अ बाय तीन तीन का डब्बा रहता, तीन इधर और तीन इधर, छः लोगों का सीटिंग कैपेसिटी रहता है यहाँ पे। 100 से ज़्यादा लोग एक डब्बे में बैठते हैं यहाँ पे भाई। ये देखो भाई, एकदम पास से प्लेन जा रही है, एकदम पास से जा रही है। दस बज के 20 मिनट पे दादर, ये थी हमारी तपोवन एक्सप्रेस। दोस्तों इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। घड़ी में अभी 10:36 हो गए हैं, लोकल मैंने पकड़ लिया भाई। तो इस तरीके से नासिक से मुंबई आ गए हैं और यही तक था सफ़र हमारा भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ इसे लाइक कर देना। कुछ भी क्वेरीज रहेंगी तो कमेंट करके पूछना भाई, और धीरे धीरे हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे भाई। अच्छे अच्छे गैजेट्स यूज करेंगे जिससे चीज़ें मतलब अच्छी हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।